हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस समय रात का बज रहा है 10। जी हाँ, और मैं जस्ट अभी एक शादी से होके आई हूं। और आई थिंक आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा, स्पेशली थायराइड पेशेंट, पीसीओडी पेशेंट या फिर जिनको शुगर लेवल बढ़ा रहता है, उनके साथ क्या होता होगा कि जब भी वो कुछ ऐसा वैसा खाना खा लेते हैं, उनके बॉडी तुरंत ही सूज जाती है, स्वेल कर जाती है, तुरंत ही लगने लगता है कि फैट जो है बहुत तेजी से मेरी बॉडी पे चढ़ गया है। मैं 10 से 12 किलो वजन मैंने बढ़ा लिया। सेम यही कंडीशन मेरे साथ अभी है, जस्ट मैं अभी आई। और यू नो कि इतना अच्छा खाना देके कोई भी नहीं रोक सकता, और मैं भी नहीं रोक पाई अपने आप को। मैंने भी जी भर के जस्ट खाया और मैं घर पे आई हूँ। मुझे लग रहा है कि मैंने 10 से 12 किलो वजन इंस्टेंट बढ़ा लिया, यानी कि अभी मैं जब गई थी 2-3 घंटे पहले मैं बिल्कुल सही थी, और अभी 2 से 3 घंटे में मैं 10 से 12 किलो वजन बढ़ा के आई हूँ। मे बी ये एक मेंटल हो, लेकिन मेंटल नहीं, ये सच है कि आपको अपनी बॉडी इतनी ज़्यादा हैवी लगने लगती है। जिनको भी ये बीमारियां हैं या जिनको भी स्वेलिंग की दिक्कत है या जिनको भी है ऐसी दिक्कत, क्योंकि ये आपको वाटर रिटेंशन की वजह से भी हो सकता है, ये आपने खाना खाने के बाद तुरंत भर पेट पानी पी लिया हो तब भी आपको बॉडी में स्वेलिंग चढ़ती है, तो इसका एक जबरदस्त नुस्खा मैं लेके आई। ये वीडियो मेरा बनाने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन जस्ट मैं अभी आई और मुझे काफी हैवी सा फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूं, कुछ लाइट सा फील करूं, और जस्ट वही मैं एक टी बनाने जा रही थी। और जस्ट मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्यों ना तुम इसका भी वीडियो शूट कर लो, तो मैंने सोचा हाँ अच्छा आइडिया है। तो मैं जस्ट एक वीडियो शूट करने जा रही थी, वीडियो शूट मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ भी इस टी का कर ले और मेरी टी भी बन जाएगी, तो टी आपके साथ बनाती हूँ। इस टी के ऑसम बेनिफिट हैं, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। वेट जिन लोगों का ये वाला है वो तो जाएगा ही जाएगा। इस टी का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप जब भी कुछ ऐसा जंक फूड खाते हो या फिर कहीं शादी वाला खाना खाते हो या फिर इस तरह का खाना खाते हो, ये इंस्टेंट वेट लॉस करता है। यानी जो भी आपने खाया है उसकी कैलोरी, उसकी चर्बी, उस वो आपको बॉडी में लगने ही नहीं देता है। इतनी ज़्यादा तारीफ कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं कोई बात तो जरूर होगी, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, फटाफट से चैनल को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। किचन में आ गई हूँ और मैंने चढ़ाया एक पैन, और पैन में डाला एक बड़ा वाला कप पानी, छोटा वाला कप नहीं। और एमएल से बताऊँ तो 300 to 350 ml आपको ये लेना है, ठीक है। इसे हल्का सा गर्म होने दीजिए, देन उसके बाद आपको जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है, आई थिंक ठंड में सबके यहाँ पड़ा होता है, इट्स अ जिंजर, और ये मतलब बहुत ही यूनिक तरीके से वर्क करेगा आपकी बॉडी पे। और इसे आपको जिसे आप चाय घिसते हो उससे घिस देना है, पूरा पूरा 1 इंच का टुकड़ा। तो ये आप डालोगे, देन इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, और सबसे बड़ी बात ये टी आपको सर्दी से भी बहुत अच्छे से बचाएगी। अगर आप सर्दी में आ रहे हैं, पिंच ऑफ टर्मरिक एंड वन इंग्रेडिएंट मोर, और सारी चीजें आपके किचन में हैं, दैट इज अजवाइन यानी कैरम सीड्स, 1/2 टेबल स्पून आपको ये डालना है, और सारी चीजों को आपको बॉयल करना है। सो जो टी है वो पूरी तरह से खोल गई है, और इसे खोलने का टाइमिंग जो है 2 से 3 मिनट रखिएगा धीमी आंच में। पहले तेज कर दीजिएगा, जब ये बॉयल होने लगे तब धीमे करके आप इसको 2 से 3 मिनट आपको बॉयल करना है। अब इसे आपको स्ट्रेन करना है, और
और इस टी को मैं जा रही हूँ पीने। और इस टी को आपको जब भी आपको लगे आपने कुछ हैवी खाया है, जंक फूड खाया है, राइस खाया है, या फिर आपने बाहर डिनर किया है, लंच किया है ऑयली फूड, या फिर आपको बॉडी में स्वेलिंग लगे, हड्डियों में दर्द लगे, मांसपेशियों में दर्द लगे, आप ये टी ले सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे मैं इसे प्रेफर नहीं करूँगी बिकॉज इसमें जो मैंने हल्दी डाली है, अगर आप कच्ची हल्दी डाल रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, वरना ये नॉर्मल हल्दी को मैं रोज रेकमेंड नहीं करूँगी। सो आप ले सकते हैं और इसका बेनिफिट मैं जो बोल रही हूँ, 2 से 3 घंटे में आप 10 से 12 किलो वजन कम करें, तो एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा। सो फ्रेंड्स, एक फटाफट से बनाने वाली टी है, हर इंग्रेडिएंट आपके घर में ऐसा नहीं है। अगर आप अभी अभी भी शादी से आए हो तो आप ये टी बना के पी सकते हो, आपको लेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इंग्रेडिएंट आपके किचन में ही होंगे। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो भर भर के लाइक करिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ।